एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सप्रेस इट इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, 10 मीटर पर सेकंड। अब इसे हमें करना किसमें है, किलोमीटर पर आर स्क्वायर में करना है ना भाई, एक्सेलरेशन में तो स्क्वायर होना चाहिए। अब यही n2 आपको कैलकुलेट करना है, तो बस आप क्या करिए, अपने किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, 1000 मीटर आ गया, 10^3 भी लिख सकते थे आप। और 1 hour इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, चलिए बताइए स्मृति आप, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 hour? 3600। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया आपने। तो 3600, लेकिन 1 hour का स्क्वायर अगर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना? तो इसको दो बार लिख दे रहा हूं मैं, और यहाँ पे हम लोग सेकंड स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ फायदा क्या हुआ, हम लोग सेम यूनिट में है, मीटर मीटर उड़ गया, सेकंड स्क्वायर उड़ गया। अब बस देखिए, 2 zero यहां से काट दीजिए, 1 zero यहां से काट दीजिए, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 36 इंटू 360, और यही है n2 आपका। अब यार 36 इंटू 36 कितना होता है, आप लोग बता दीजिए मुझे। हाँ, 1296, ठीक है। तो ये 10 यहाँ पे आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, 1296 आया, और फिर एक ये 0 है, तो एक और 10 यहाँ पे आया। बस अब आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। क्या है, देखो अब दो इस डेसिमल को अंदर तक ले जाएंगे तो 1.2 आएगा। चलो अभी ये भी सिखा देता हूँ यार, ये काफी बच्चों को नहीं आता है। 10 into 10, 10 square हो गया, इसको अलग छोड़ दिया। अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसे 1.296 into 10^3 लिख सकते हैं। देखो जितना अंडरलाइन है रेड कलर से, ये वाला और ये वाला सेम है, ठीक है? आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे यार, मतलब 1.296 में 10^3 का गुणा कर दे तो यही आ जाएगा। अब 10^2 और 10^3 को एक साथ कर दूंगा, हो गया अपना आंसर। n2 इज इक्वल टू 1.296 × 10^5। अभी यहां यूनिट ना लिख देना, बहुत बच्चे यहां पे यूनिट लिख देते हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि n2 के बगल में है ना, ये n2 के अंदर किलोमीटर नहीं घुसा हुआ। अब आप यहां पे लिखेंगे ऐसे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1.296 × 10^5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। बस ये है आपका आंसर।